हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगेज बायोलॉजी एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री व्हिच इज नोन एज न्यूट्रिशन एंड इन न्यूट्रिशन आई विल बी डिस्कस अबाउट बी एम आर विच इज स्टैंड फॉर बेजल रेट और आल्सो अबाउट बेजल मेटाबॉलिज्म तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो तो बात करें न्यूट्रिशन की सबसे पहले जैसा कि आपने देखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग होती है टॉपिक से न्यूट्रिशन बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड फॉर द डिविंग आउटम ओवरऑल कंडीशन में बात करें तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं बट न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन एक को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं बाय द फूड और फूड हम देते हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फूड की एंड दैट फूड प्रोवाइड अस अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड अस ए स्पेसिफिक न्यूट्री एंड न्यूट्रिएंट्स को लेना ही आपका बेसिकली क्या कहलाता है न्यूट्रिशन कहलाता है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये किसी ह्यूमन बीइंग की यानी मेंस की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है उसकी हेल्थ को प्रमोट करता है और उसके वेलफेयर को प्रमोट करता है स्टडी करिए अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन की तो हम इसे तीन एक्सपेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं और लॉजिकली इसे तीन एरिया के अंदर डिवाइड करा गया एक होता है आइडियल न्यूट्रिशन सेकेंड होता है आपके पास अंडर न्यूट्रिशन और तीसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन अगर हम बात करें आइडियल न्यूट्रिशन की तो ये कंसर्न होता है कि जिसमें हम हर किसी को लेके चलते हैं कि कितना न्यूट्रिशन हर किसी के पास होना चाहिए इसके अलावा दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन जहां पर हम बात करते हैं प्राइमरी कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि यूजली लोग अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं तो वो सीरियस कंसर्न होता है डेवलप्ड कंट्री का जिससे हम बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन क्योंकि वहां पर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन होने के बाद एक्स्ट्रा चीजों को कंज्यूम करा जाता है जिसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिलती है अगर यहाँ बात करें नोट इसमें लिखा है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड देयर आर मोर ओवर एंड ओवेस्ट पीपल देन अंडर नरिश्ड पीपल मीनिंग क्या है मीनिंग यह है कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसने बताया कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो आपको ओवर वेट पीपल की जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू द अंडर नरिश्ड पीपल जिनको प्रॉपर टाइप, टाइप पर डाइट नहीं मिलती है प्रॉपर टाइम पर उन्हें फूड नहीं मिलता उसके तो कंपेरिजन में मोटे लोगों की संख्या ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड अगर उसके बेस पर फिर आगे चले तो हम यहाँ देखें न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या न्यूट्रिएंट्स बेसिकली मैंने बताया कि देयर आर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर द स्पेसिफिक एलिमेंट्स और सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल वी हैव न्यूट्रिय लाइक माइक्रो वी हैव न्यूट्रिय लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटाम्स मिनरल्स एक्सेट्रा ये सारी चीजों की डिमांड होती है हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए और देखिए न्यूट्रियट आ जाता है जिसे हम ऑप्टेन करते हैं बाय द फूड एंड तीस न्यूट्रिय आर फर्दर डिवाइडेड डिवाइडेड बेसिकली ब्रॉडली टू क्लास वन इज मैक्रो न्यूट्रिय एंड सेकंड वन इज माइक्रो न्यूट्रियट वैन वो डिस्कस अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिय एज नेम सजेस्ट मैक्रो मीनस रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट तो दे फॉर्म्स अ मेन बल्क ऑफ द फूड एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट दे आर नोन एज ए मैक्रो न्यूट्रिय

मिनरल्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम अलग तरीके से बोलते हैं जैसे विच आर ऑड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो दो वर्ड आपने यूज करते हुए देखे होंगे जहाँ पर लिखे होते हैं वन इज असेंशियल सेकेंड वन इज नॉन असेंशियल वैन वी टॉक अबाउट द असेंशियल मीन्स द सब्सटेंस और न्यूट्रिय विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी बट वी वैन वी डिस्कस अबाउट द नॉन असेंशियल यानी दोज आर दबस्टेंस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट दे मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी दे आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड बाई विद दल्प ऑफ फूड या बाय द फूड तो दैट्स वाई एसेंशियल न्यूट्रेंट्स को अगर हमें यहाँ पढ़े इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी की एक फिजियोलॉजी है जो उसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए हमें इसकी डिमांड होती है ठीक है ऑफ द बॉडी बॉडी एंड कैन नॉट भी सिंथेसाइज बाय द बॉडी जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले की अगर असेंशियल न्यूट्रेंट वो है कि पहली बात यह कि वो बॉडी नहीं बनाती हो हमें उसे बाहर से ही लेना पड़े इनटेक करना पड़े विद्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और वो हेल्प मदद करती हो कि इसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर मदद करनी चाहिए तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं आगे यहां पे देखें तो इसमें लिखा है मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट या एक प्रॉपर डाइट के सप्लाई होनी चाहिए और इन केस ऑफ वुमन दे आर अप्रोक्सीमेटली अगर आप वुमन का केस लेंगे तो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली डाटा आपको देखने को मिलता है आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं देर आर एट अमाइलो एसिड विच आर एसेंशियल टू फैटी एसिड्स 13 vitamins and 15 minerals. And these all are our एंड nutrients which are आर बाय the फूड फॉर the प्रॉपर physiological फंक्शन ऑफ the बॉडी चलिए मूव करते आगे अब यहाँ जब न्यूट्रिशन की बात करें इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जैसे कभी कभी हम न्यूट्रिशन को अलग अलग कंडीशन के बेस पर पढ़ते हैं यहां में हमें जो डिस्कस करना है इस बायो के रेस्पेक्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे एनर्जी सप्लाई के बेस पर और एनर्जी सप्लाई के बेस पर अगर हम डाट डिपेंड कर डिस्कस करें तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड के बेस पर हमें निकालनी होती है एनर्जी और एनर्जी कंटेंट निकलता है विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट विच यहाँ पर हमने लिया है कैलोरीफिक वैल्यू आपने हमेशा सुना होगा कि इतने कैलोरी इतने कैलोरी दो सौ दो हज़ार कैलोरी तीन हजार कैलोरी या बाईस सौ कैलोरी की डिमांड होती है एक व्यूमन बॉडी प्रो डेली या सोलह सौ कैलोरी की डिमांड होती है तो इस तरह की कंडीशन आपने सुनी है तो बेसिकली कैलोरी इज द यूनिट विच इज यूज इन द कंसर्न ऑफ एनर्जी और आल्सो इन द कंसर्न ऑफ हीट तो यहाँ पर अगर आप डिस्कस करें देखिए मैंने इस तरीके से लिखा Hence, value, है कैलोरीफिक वैल्यू यानी एनर्जी कंटेंट ऑफ अ फूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज बाय द टोटल कम्बसन ऑफ द फूड इन अ कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर बेसिकली एक पूरा सेटअप है डिवाइस है आप ऐसे बोल लीजिए और उस पूरे सेटअप के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि जो फूड हमने लिया है वो फूड पूरा का पूरा कंप्लीटली कम्बस्सन होने में उसका पूरा कंबस्ट होने में कितनी नंबर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट मिनिमम हीट इज रिक्वाय नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू और यूनिट ऑफ हीट या मैंने लिखा कैलोरी तो आप इसे एनर्जी की भी बोल सकते हैं इन दिस केस एंड वन कैलोरी की अगर बात करें तो वन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम वन ग्राम ऑफ वाटर इट टू वन डिग्री सेल्सियस तो आप वन ग्राम ऑफ वाटर को एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी उसे पास करते हैं दैट इज योर वन कैलोरी वैल्यू या वन कैलोरीफिक वैल्यू बट ये जो कैलोरी की वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है मतलब स्मॉल यूनिट होती है और जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं और या फिर हम बायो की गे बात करें तो उस केस के अंदर हम इस कैलोरी की वैल्यू को कैलोरी में रहने के हम इसे किलो कैलोरी में लेते हैं जो कि आपका वन थाउजेंड टाइम हो जाता है कैलोरीफिक वैल्यू का वन थाउजेंड टाइम हो जाता है कैलोरीफिक वैल्यू का अगर यहाँ पर आप डिस्कस करें तो रिलेशनशिप है कैलोरीफिक और जूल के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखें वन कैलोरी या वन किलो कैलोरी इज इक्वल टू वोर तो किलो जूल ये यूनिट है इसे याद रखेंगे जूल बेसिकली लेस यूज करी जाती है बाय द न्यूट्रनिस्ट ठीक है न्यूट्रनिस्ट के द्वारा ये बहुत कम यूज़ करी जाती है इस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट फैट आर कम्प्लीटली कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज यानी यहाँ पर ध्यान रखें कैलोरफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी होगी जो जितनी जल्दी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा अगर किसी में कोई कम रह जाती है तो उसकी वैल्यू कम होगी तो ये देखने को मिला कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि प्रोटीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या कंप्लीटली बर्न नहीं होती दे देखिम सब प्रोडक्ट इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होता तो ये कुछ बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं और वो बाई प्रोडक्ट में आपका हो सकता है यूरिया आपके अंदर इसमें देखने को मिल सकता है अमोनिया ठीक है अमोनिया देखने को मिल सकता है और साथ में यहाँ पर एक है क्रिएटिन जो कि ह्यूमन बॉडी की बात करी गई है तो ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये सारे देखने को मिलते हैं यानी प्रोटीन बेसिकली सिंपल सी बात इतनी है कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन की तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है जिसकी वजह से वो बाई प्रोडक्ट बनाता है फॉर एग्जाम्पल यूरिया अमोनिया एंड एक्सेट्रा और इसलिए इसका जो कैनरेफिक वैल्यू होती है वो कम होती है इन टू द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बट वेन वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी वैल्यू ऑफ कार फैट एंड प्रोटीन देर इज अच इज नोन एज फोर नाइन फोर कैलोरी पर ग्राम इसे आप याद रखें फोर नाइन फोर कैनोरी पर ग्राम इसके अलावा अगर बात करें तो रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर फिक्स करा है कैनोरी फिक्स वैल्यू के बेस पर एल्कोहल को भी क्योंकि एल्कोहल अगर देखा जाए तो रिसेंट एडिशन की वजह से इसे दिखा इसकी जो वैल्यू मिली है वो मिली है सेवन कैलोरी पर ग्राम लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस फूड स्टफ को इस टेबल को देखिए इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है अलग अलग फूड स्टफी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू नियरली बॉडी के अंदर है फोर फैट की है नाइन प्रोटीन की है फोर और एल्कोहल को भी कंज्यूम कराया क्योंकि अल्कोहल की वैल्यू है सेवन और एल्कोहल को कंज्यूम करने का पीछा यह है क्योंकि आजकल ये सिग्निफिकेंट डाइटरी कॉम्पोनेंट है फॉर सम पीपल्स मीन्स के कई लोग इसे क्या होता है डाइट के साथ में डेली कंज्यूम करते हैं तो इसलिए से इसके अंदर बेसिकली जो कैलोरी वैल्यू है उसकी कैलोफिक वैल्यू निकाल के ऐड करा गया है कि दिन में जब वो कंज्यूम करेंगे तो जब वो ओवरऑल डाटा कैलकुलेट करिए कि उसने एक दिन के अंदर कितने अमाउंट ऑफ या कितने किलो कैलोरी कंज्यूम करिए तो उसके अंदर इसको भी इन्वॉल्व करा जाता है दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द एल्कोहल ओके नेक्स्ट विटामिन और मिनरल्स एज वी हैव डिस्कस ऑन अर्लीयर विटामिन और मिनरल्स की अगर बात करें तो हमने डिस्कस करा था कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रेट्स होते हैं तो इसलिए इनकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू हम निकालते नहीं आई बात समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं रेस्पायरेटी क्विशेंट की बात करते हैं रेस्पायरेटी क्वेश्चन की अगर हम बात करें फूड स्टफ में तो रेस्पायरे क्विशेंट अगर आपने इलेवंथ क्लास की बायोलॉजी पढ़ी हो तो वहां निकालने को मिलता है जिसमें सिंपल साइप होता है वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू और बेसिकली नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ वो कंज्यूम वॉल्यूम ऑफ ओ कंज्यूम की कितनी आपकी ओ कंज्यूम करी गई है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की साइड में और उसको आप डिवाइड कर दीजिए कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन से आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रेस्पायरेटरी क्विशन तो यहाँ पर यही है द रेस्पायरेटी क्विशन इज द रेश ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सी यू टू प्रोड्यूज एंड वॉल्यूम ऑफ फो यूटिलाइज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ अब ये फूड स्टफ कोई भी हो सकता है इट कैन बी अ फैट इट कैन बी अ प्रोटीन इट कैन बी अ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर थिंग्स ठीक है अब यहाँ पर देख रखा है सबसे पहले फैट के बारे में और यहाँ दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में इफ वी सी द कार्बोहाइड्रेट आर क्यू वैल्यू जो होती है इट इज वेरी क्लोज टू द वे क्लोज टू वन देखने को मिलती है फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्लूकोज एंड देन वी हैव अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की परजस में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है दैट विल कन्वर्ट कन्वर्टेड टू दन्वर्टेड टू पायरोविक एसिड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस इसके ऊपर वीडियो बना के डिस्कस करूंगा कंप्लीट से डिटेल में की वो होता क्या है और फिर आपके पास निकलता है सिक्स एच टू और आपको फॉर्मूल निकालना है रेस्पायरी क्वीसेंट का तो आप कितने सी ओ टू निकलने सिक्स तो आपने यहाँ पे सिक्स लिख दिया कितने ओटो इवॉल्व हुए थे इसके अंदर रिएक्शन में सिक्स तो सिक्स को हम लिख देंगे नीचे यानी प्रोडक्ट आएगा ऊपर और रिएक्टेंट आएगा नीचे और दोनों को निकाल के सीओ टू के फॉर्म में और ओटो के फॉर्म में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रेस्पायरेटरी क्वीसेंट हमें कहते हैं रेस्पायरेटी क्वीसेंट अगर नियरली वन है इट मीन फूड स्टफ जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अगर नियरली नहीं है तो वो फूड स्टफ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा ऐसे एक फैट के, के केस में आपको याद रखना है, एक फैट हमने लिया है जिसका नाम है ट्रिस्टेरिन और ट्रिस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है और इसको हमने ऑक्सीजन दिया तो इसने 163 सिक्सटी थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के यूटिलाइज करे तब जाके 114 कार्बन डाइऑक्साइड निकले कम्पलीटली ऑक्सीडाइड up होने पर और 110 वन जीरो एच टू वो निकले यानी वन टेन एच टू आपको निकलने को मिलता है अब इसका रेस्पायरेटि पुसेट निकालना हो तो वही सिंपल बात है कितने सी ओ टू बाहर निकल रहे हैं उसे ऊपर रखिए कितने यूज हुए उसे नीचे रखिए डिवाइड कर दीजिए वैल्यू आई जीरो पॉइंट सेवन बिकॉज वैल्यू एक से कम है यानी यहाँ पर फैट जो होगा वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा इसी तरीके से प्रोटीन के रेस्पेक्ट में भी कराया जाता है और यहाँ पर लिखा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक फॉर्मूला उसकी वजह क्या है क्योंकि प्रोटीन का जो नेचर होता है वो हाईली वेरिएबल होता है एक टाइप का प्रोटीन कैसा होता है थोड़ी देर बाद अगर वो चेंज होगा तो उसकी नेचर बदल जाता है लेकिन फिर भी हमने कुछ प्रोटीन्स को निकाल के और जब ऑब्जर्व कर आपका मानू पड़ा इट इज़ जीरो पॉइंट एट तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स कंसर्न विद द एनर्जी नाउ वी हैव टू डि अबाउट द बी एम आर एंड इट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायो केमिस्ट्री वॉट इज़ बी एम आर और अदर फिज़िकल तो आप फिजिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं उसके अंदर भी आपने आई होप ये वर्ड सुना होगा बी एम आर तो बी एम आर बेसिकली क्या है बी एम आर को हम बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट या फिर आप इसे बोल सकते हैं बेजल मेटाबॉलिज्म खाली बेजल मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है या फिर आजकल इसे एक और नाम दिया है जिसे हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उसका कहने का मीनिंग क्या है क्योंकि इसमें अभी आपको समझ आएगा कि एक समय तक हम इंसान को भूखा रखते हैं और फिर उस रेस्ट कंडीशन में और वो, वो समय होता है बारह घंटे बारह घंटे के बाद हम जाके उसका बी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है बी एम बेसिकली है क्या है तो सबसे पहले वहाँ से डिसाइड बताते हैं कि बी होता क्या है तो बी की अगर मैं बात करूँ तो बी बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी पर्सन को चाहिए होती है या रिक्वायर होती है रिक्वायरमेंट जिसके टू मेंटेन द लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट रेस्ट सॉरी रेस्ट यानी कि उसकी कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट एकदम प्रॉपर कंडीशन में लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आफ्टर द Post -absorptive state, यहाँ पर ये आया है अगर आप देखें डिफाइंड एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटल रेस्ट इन द पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट ये समझना आपको क्या होता है तो पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट ट्वेल्व आवर आफ्टर द लास्ट मील यानी आपने जो लास्ट टाइम खाना खाया था लास्ट मील जो ली थी उसको अब बारह घंटे हो चुके हैं और उस बारह घंटे के बाद बॉडी को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर करने के लिए उस मिनिमम एनर्जी को ही बोला जाता है बी एम आर समझ में आ गया हो? एक बार दोबारा रिकॉल करता हुआ सुनिए रिक्वायर्ड द बॉडी टू द लाइफ इट लाइफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट आफ्टर द पोस्ट एब्जॉर्व स्टेट और पोस्ट एब्जॉर्व स्टेट क्या थी 12 आवर आफ्टर द मील लास्ट मील तो जो आपने लास्ट मील लिया उसको आपको 12 आवर्स हो गए और उसके बाद जो आप डॉक्टर कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं और उस वक्त जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज योर बी एम आर अंडर बेजल कंडीशन की अगर हम बात करें बेजिकल कंडीशन ऑल द बॉडी अपीयर्स टू बी टोटल रेस्ट हम ये मान के चलेंगे बेजल कंडीशन में आता है हाँ याद रखना आपको कि बॉडी जो भी टोटल रेस्ट में होनी चाहिए लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ फंक्शन बॉडी के अंदर होते रहते हैं फॉर एग्जांपल आप चाहे कंप्लीटली स्टेट में सो जाइए फिर भी आपका हार्ट जो है वो बीट करता रहेगा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा ठीक है और ऐसे अदर कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम पंप होता है एन ए पॉजिटिव और के पॉजिटिव जैसे हमने लिखा है सोडियम पोटेशियम पंप और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जो मैमब्रेन में सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेनटेन करता है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी का जो बेजल एनर्जी होती है उसका फिफ्टी एनर्जी को तो खाली यही सोडियम पोटेशियम पंप कंज्यूम कर लेता है ओके अब हम मेजरमेंट ऑफ बीएमआर की बात करें तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यानी जो पेशेंट है उस सब्जेक्ट पे सुट भी क्या कंडीशन होनी चाहिए वो आप कहते कि वो एक अवेक कंडीशन में हो यानी जगा हुआ हो इस तरीके से हम बोलते हैं अवेक कंडीशन होनी चाहिए उसकी यानी कि कंप्लीटली उसको मतलब तो भी उसी जैसी कोई कंडीशन हो कम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट होनी चाहिए यानी प्रॉपर स्टेट में सही होना चाहिए फिजिकली भी मेंटली भी पोस्ट एब्जॉर्टिव स्टेट होनी चाहिए यानी बारह घंटे पहले उसने खाना खाया हो एंड कंफर्टेबल सराउंडिंग और उसके आसपास का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा करूँ मैं अगर कोई भी कंडीशन है वो सब कुछ भी नॉर्मल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल जिससे हम मान के चलते हैं नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास ये होना चाहिए अब इसकी मेजरमेंट की बात करें तो इसको मेजरमेंट करने के दो मैथड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है एक मैथड होता है बैनेटिक एंड रॉथ मैथड और एक होता है डगलस बैग मैथड डगलस बैग मैथड इसमें से जो बैगनेटिक और रॉथ मेथड मैथड है इस मैथड को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट डिवाइस जबकि अगर दूसरे मेथड की बात करूँ जिससे हम डगलस बैग बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट डिवाइस तो ये कंडीशन देखने को मिलती है अब इसमें कौन कौन सा मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं जैसे बाई बेनेटिक मेथड की बात करें तो इसमें भी ऐसी कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ वोट टू कंज्यूम कितनी हो रही है ऑफ अ सब्जेक्ट पर पीरियड ऑफ टू टू सिक्स मिनट यानी एक सब्जेक्ट के अंदर दो से छः मिनट के अंदर कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उसको हम फाइंड करते हैं और उसको फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मुला दिया था और वो फॉर्मूला जैसे कि सपोज करो एक्स लीटर कंज्यूम हो रही है सिक्स मिनट में तो आप क्या करेंगे सिक्स मिनट में एक्स लीटर को निकालने के लिए पहले वन जो हमने वन कैनफिक वैल्यू देखी थी उसको ले लेंगे कि वन लीटर के लिए कितना कंज्यूम होता है तो आप याद रखिए वन लीटर के लिए जो कंज्यूम होती है वो होती है हमेशा और भी याद रखिए फोर पॉइंट एट टू फाइव होती है आप क्योंकि सिक्स मिनट के लिए निकालना है तो सिक्स से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर एट फाइव इंटू में एक्स अब उस सिक्स मिनट से निकाल लें और फिर आपको निकालना है पूरा वन आवर के अंदर की एक घंटे में कितनी कंज्यूम होगी तो एक घंटे के हिसाब से निकालोगे छः मिनट और दस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका साठ मिनट हो जाएगा जिससे हम एक घंटा बोलते हैं तो आपका हीट प्रोड्यूस इन वन आवर विल बी फोर पॉइंट एट टू फाइव इंटू में एक्स जो कि आपका यूज हुआ था और इंटू में टेन जो कि जिससे आपका क्या हुआ पूरे घंटे का निकला है इस तरीके से आपकी यूनिट बनती है यूनिट ऑफ बी बनती है कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर आवर बेसिकली टाइम तो यहाँ पर ये यह कंडीशन आपकी बी एम आर को दिखू होती है तो इस तरीके से होता है अब क्योंकि इसमें हमें बॉडी सर्फिस एरिया को निकालना पड़ता है जो कि स्क्वायर मीटर में आता है तो बॉडी सर्फेस एरिया को निकालने के लिए ट्यूब ट्यूबुइस नाम के जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक फार्मूला ड्रॉ करा और ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया जो आपको याद रखना है एच इज कट टू जीरो पॉइंट सेवन टू फाइव डब्ल्यू इज टू डब्ल्यू थ्रू द पावर जीरो पॉइंट फोर टू फाइव इंटू मै सेवन वन पॉइंट एट फोर इसमें ए जो है वो आपका है सरफेस एरिया यहाँ पर एच की बात करूँ तो यह है हाइट डब्ल्यू की बात करूँ तो यह है वेट जो इसमें यूज़ करा गया है फॉर्मूले में नॉर्मल वैल्यू ऑफ पी एम आर जो आपको याद रखना है तो मैं बता दूं कि एक तो एडल्ट मैन की जो पी एम आर वैल्यू होती है वो 35 से 38 के आसपास होती है और एक एडल्ट वुमन की हम बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 32 से 35 के आसपास होती है एक वैल्यू जो होती है यहाँ पर आप बी एमर वैल्यू बिटवीन बेटम अगर आपकी बी एम आर वैल्यू माइनस फिफ्टीन परसेंट से लेकर प्लस ट्वेंटी परसेंट के बीच में आ रही है तो उसे आप नॉर्मल बोलते हैं ठीक है और इन टर्म्स ऑफ कैलोरी के बेस में बात करें तो ये कैलोरी कितनी होती है तो एक एडल्ट मैन के लिए मैन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो कैलोरी के अमाउंट होते है वो होते हैं सिक्सटीन कैलोरी पर डे जबकि एडल्ट वुमेन की बात करें तो वो फोर्टीन हंड्रेड कैलोरी पर डे तो दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द नॉर्मल बी एम आर और कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग बी एम आर मैं फटाफट फ़ड़ से डिस्कस कर देता हूँ पहला होता है सरफेस एरिया जिसके जो अंदर जो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है जितना ज़्यादा बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बी एम आर होगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा हाइट और वेट बढ़ जाता है सेक्स की बात करें तो मेन का जो बी एम आर होता है यानी मैन का जो वुमेन बात करें तो मैन का जो मेल जो होते हैं उनका बी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल फीमेल का बी कम देखने को मिलता है ठीक है लेस देखने को मिलता है और उसका रीजन होता है लीन मसल मास का होना मैन के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर दूसरी तीसरी बात करें तो होता है एज एज में बात करें इन्फेंट और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनका बी ज्यादा होता है लेकिन जैसे ही एज ट्वेंटी एट से ऊपर जाती है तो बी कम होना चाहिए अनुभव चाहता है आगे बात करें हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स में मेजर हार्मोन जो है वो है दो थाइरॉइड क्योंकि थायरयड के हार्मोन्स का काम होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना और इसमें दो हारमोस सबसे ज्यादा रेस्पॉसिबल होते हैं एक होता है टी थ्री और एक होता है टी फोर इसके अलावा मैंने इसके अंदर लिखा है आप चाहे नोट्स से पढ़ लेना तो इसमें टी थ्री टी फोर के अलावा अदर भी और हारमोन है जो कॉर्टिसोल और ग्रोथ हारमोन वगैरह होते हैं इनसे भी बी एम आर इंक्रीज होता है तो ये बेसिकली है अच्छा इन दो कंडीशन में आपको याद रखना है अगर बी एम आर बढ़ता है तो उससे हम बोलते हैं हाइपर थायरॉय थायरॉइड्स थायरॉइड्स और अगर कम हो जाता है तो इस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं हाइपो अब हाइपर थाइरॉयडिज्म और हाइपर हाइपोथाइरॉयडिज्म के दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन दोनों कंडीशन में बेसिकली क्या होता है बी घटता बढ़ता है हाइपर कंडीशन में बी बढ़ जाता है हाइपो कंडीशन में बी घट जाता है अगर हम बात करें अगला फैक्टर अफेक्टिंग जो है जो बी को अफेक्ट करता है वो है एनवायरमेंट एनवायरमेंट में दो कंडीशन होती है या तो एनवायरमेंट आपके पास कोल्ड होगा या फिर वार्म एन्वायरमेंट होगा अगर कोल्ड एनवायरमेंट है तो बी जो होता है बेजल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है और अगर बी बात करें तो बी डाउन हो जाएगा आपका किसमें वार्म क्लाइमेट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप चाहे जैसे तो नोट कर सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ एक कंडीशन स्टारवेशन की है स्टारवेशन बेसिकली अगर हम काफी समय से भूखे और स्टारवेशन पीरियड के अंदर चले जाते हैं तो उस पीरियड के अंदर ये बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है रिलेशन और ये बहुत तेजी से गिरता है जो नियरली फिफ्टी परसेंट हैज़ बिन रिपोर्टेड ये रिपोर्ट करा गया है अगर फीवर अगली बात करें एक और फैक्टर है जो है फीवर फीवर की अगर हम बात करें तो ये बी को इंक्रीज़ करती है ठीक है इंक्रीज़ कर देती है बी एम रेट को मोर देन टेन परसेंट हो जाता है बी के अंदर जब एक टैब एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है यानी सैंतीस से अगर आप अड़तीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी बॉडी का होता है तो लगभग इतना ये वैल्यू बढ़ जाएगी सिग्निफिकेंस ऑफ बी की बात करें तो दो बात हैं और सिंपल सी बात है सबसे पहली बात है कि आप फ़ायदा है क्या महत्व है अगर हम बात करें बी का तो बॉडी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को हम निकालने का पहला कंडीशन होती है कि हम कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है किसी पर्सन की उसका पता लगा लेते हैं ताकि हम उसकी डाइट को सही तरीके से बना सकें उसकी प्लानिंग कर सकें डाइट की दूसरी कंडीशन हो सकती है इससे हमें थायरॉइड के फंक्शन का पता चल जाता है कि अगर हमें लग रहा है कि बी रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है यानी कि आप हाइपर थारॉयडिज्म का केस में है और उस कंडीशन के अंदर आपका जो बी है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा नियरली प्लस सेवेंटी परसेंट के आसपास और जब आपका बीएमआर बहुत कम आएगा जो पंद्रह माइनस पंद्रह परसेंट से घटकर माइनस फोर्टी परसेंट हो जाएगा तो वो आपका हाइपो थायरॉडिज्म होगा जिसकी वजह से हमें थायरॉयड की फंक्शनैलिटी का पता चल जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट द बीएमआर ये सब कुछ है बीएमआर के बारे में जितना भी आपको चाहिए इन डिटेल आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी अगर किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप उसे कमेंट डाउन कर दें और किसी टॉपिक को आप और लक्ष्य से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसको भी आप कमेंट आउट कर दें आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और उसका नाम है जगेश बायोलॉजी इंस्टाग्राम पर जगेश बायोलॉजी और आप वहाँ पर भी मुझे किसी कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डाल सकते हैं जो कि बायोलॉजी के फील्ड में हो अ मैं उसके ऊपर आपको वीडियोज बना के देता हूँ आई होप अच्छी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching.